नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हनुमान जी के इस चौथे वीडियो में हम बताएंगे कि हनुमान जी के दक्षिण दिशा वाले मंदिरों का क्या महत्व है, हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा और हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का जन्म कैसे हुआ और क्यों नहीं स्पर्श कर सकती हैं महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ का पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर। जय श्री राम। हनुमान जी की दक्षिणी मुखी मूर्ति या मंदिर का महत्व दूसरे हनुमान मंदिरों की तुलना में अधिक क्यों माना जाता है? दरअसल दक्षिणी मुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। दक्षिण दिशा यानी यमराज मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र शिव जी के अवतार हैं जो काल के नियंत्रक है, इसलिए दक्षिणी मुखी हनुमान जी की पूजा करने पर मृत्यु भय और चिंताएं समाप्त होती हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं और हनुमान जी का तेज प्रताप दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। हनुमान जी की वो प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, हनुमान जी का दक्षिणामुखी स्वरूप है। अब जानते हैं हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा था। भारत के कुछ क्षेत्रों में हनुमान जी को बालाजी हनुमान जी के रूप में जाना जाता है, लेकिन हनुमान जी बालाजी के नाम से क्यों जाने जाते हैं, इसका कारण और कहानी उनके बचपन से जुड़ी हुई है। बचपन के दौरान किए गए चमत्कारों के कारण उनका नाम बालाजी पड़ा था। राजस्थान के महेंद्रपुर में बालाजी हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वायु भगवान ने हनुमान जी को अपनी मां के गोद में महेंद्रपुर में रखा था। ये घटना तब हुई जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने का प्रयास किया और इंद्र जी ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, इस कारण से हनुमान जी का नाम बालाजी पड़ा। अब जानते हैं हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का जन्म कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कथाओं में कई तथ्यों में पाया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकर ध्वज था, जिसकी माता एक मछली थी। मकर ध्वज भी हनुमान जी की तरह वानर और अति बलशाली था। जब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका का दहन किया था, सारी लंका को आग लगाने के बाद अंत में वे अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में जाते हैं और उस समय ताप के कारण उनके शरीर से बहता पसीना समुद्र में जाता है, जो कि एक मछली के पेट में चला जाता है और उससे मछली गर्भ धारण कर लेती है। कुछ समय बाद उस मछली को पाताल के राजा अहिरावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे काटने पर उन्हें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है जो कि बड़ा बलवान होता है, जिसका नाम मकर ध्वज रखा जाता है। भविष्य में पाताल के राजा ही रावण द्वारा उसे पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया जाता है। अब जानते हैं कि महिलाएं हनुमान जी का स्पर्श क्यों नहीं कर सकती। दरअसल हनुमान जी ने प्रत्येक स्त्री को मां समान दर्जा दिया है, यही कारण है कि किसी भी स्त्री को अपने सामने प्रणाम करते हुए या झुकते हुए वो नहीं देख सकते, बल्कि स्त्री शक्ति को वो स्वयं नमन करते हैं। यदि महिलाएं चाहे तो हनुमान जी की सेवा में दीप अर्पित कर सकती हैं, हनुमान जी की स्तुति कर सकती हैं, हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं, लेकिन 16 उपचारों जिनमें चरण स्पर्श, मुख स्नान, वस्त्र चोला चढ़ाना आते हैं, ये सब सेवाएं किसी महिला के द्वारा किया जाना हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, जय जय श्री राम।